हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीलमणि श्रीवास्तव और मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हूं। मेरी ऑल इंडिया रैंक 368 थी एंड फॉर लास्ट 18 इयर्स आई एम इन कोटा टीचिंग फॉर आईटी जेई एंड नीट प्रोग्राम। और मैंने अपने मेरे थ्रू बहुत सारे बच्चे जो पढ़ के गए हैं उन्होंने अच्छी अच्छी रैंक्स पाई है। और ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे बच्चे, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। वहां तक मैं जब काम कर रहा था तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिन्होंने कई सारे, दो तरह की कैटेगरी है, कुछ बच्चे 11वीं से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे सीधे 12th के बाद ड्रॉपर में एडमिशन लेने आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 7वीं 8वीं 6ठी से ही अपनी जेई की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने जब उनकी एनालिसिस करी, उनको समझा, अब बात आई कि मैंने ये एनालिसिस क्यों करी। एनालिसिस इसलिए करी कि बीइंग अ टीचर मैं तो सोच ही रहा था सारी चीजें, पर बीइंग अ फादर आल्सो दिस इज अ क्वेश्चन जो हमें डरा रहा था, मुझे और मेरी वाइफ को ये क्वेश्चन डरा रहा था। मेरा बच्चा जो है वो क्लास 7th में आ गया, तो मैं इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा था, मैं अपनी वाइफ से डिस्कस करता था, मैं अपने सारे कुलीग से डिस्कस कर रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इशू एज अ फादर ऑल्सो कि यार क्या मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या मुझे उसको अभी से इस जेई और नीट की जर्नी में, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन भी है थोड़ा, क्योंकि वो माहौल घर का ऐसा है तो ऑब्वियसली आईटी की तरफ उसका इंक्लिनेशन है, तो ऐसा नहीं है कि आईटी ही एक कैरियर होता है, पर हाँ उसका इंक्लिनेशन है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं भी आईटी या एमआईटी जाऊं, ऑब्वियसली वो भी यह सोचता है। तो मुझे लगता है कि क्या उसके लिए बेस्ट होगा, हम ये एनालिसिस करते रहे, हम इस चीज को समझने की कोशिश करने लगे कि क्या मेरे बेटे के लिए सही है, क्या उसको हमें 7th से पढ़ाते रहना चाहिए। तो मैंने जब अपने पुराने सालों के एग्जाम्पल्स देखे तो ऐसा मैंने पाया कि वही रेशियो है, 7th से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें से कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट तो छोड़िए, वो अपनी 12वीं क्लास में ही पास नहीं कर पाते। और ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो 7th से तैयारी कर रहे हैं वो ऑल इंडिया रैंक 1 मार देते हैं, दोनों तरह की सिचुएशंस मैंने देखी। बट एक बात मुझे लगा कि यार जो नहीं तैयारी कर पा रहे वो तो बहुत, उनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है जो नहीं कहीं हो पा रहे, पर जो AIR 1 या अच्छी रैंक मार दे रहे उनके साथ क्या हो रहा है। उनके साथ जब मैंने देखा क्या हो रहा है तो वो आईटी में जाते हैं तो वो बहुत ही नर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने 12-12 साल तक लगातार बैठे बैठे रगड़ रगड़ के पढ़ाई की है, वो उतना सोशली एक्टिव नहीं है, वो उतनी बातें नहीं कर पाते, वो समझा नहीं पाते चीजों को, पढ़ रहे हैं पर सोशल स्किल्स उनका जीरो है क्योंकि उनका लाइफ इंटरेक्शन कुछ हुआ ही नहीं था। ये एक प्रॉब्लम थी। तो मैं अगर मैं इसके कॉन्स देखूं तो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं, प्रोस देखूं तो AIR 1 तो आ रही है, पर AIR 10 तो आ रही है, अंडर 100 भी आ रही है, पर मुझे लगा कि यार ये आ भी रही है पर सोशल स्किल उतना नहीं है। फिर मैंने एक और चीज पे नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि अगर मैं पिछले 30 सालों के AIR 1s को देखूं, AIR 1 को मैंने टारगेट लिया कि देखूं, और उसी साल के उनके जो बैचमेट हैं उनको देखूं, तो प्रोफेशनली ज्यादा सक्सेसफुल कौन हो रहा है। तो यू हैव सीन कि प्रोफेशनली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, सोशल स्किल्स भी आने चाहिए। यू नीड टू नो टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए, उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए, लोगों को डील करना भी आना चाहिए। बेस्टेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सुंदर पिचई का ले सकते हैं। सुंदर पिचई अपने खड़गपुर में मटेरियल साइंस में पढ़ रहे थे, यानी उनकी रैंक आई कुछ 1100 के आसपास, 1100 के आसपास, और उनके बैच का AIR 1 भी होगा, कहीं ना कहीं आईटी कानपुर या आईटी मुंबई में पढ़ रहा होगा, या आईटी दिल्ली में पढ़ रहा होगा, या आईटी मद्रास में पढ़ रहा होगा। तो वो कंप्यूटर्स के फील्ड में ही, वो कंप्यूटर साइंस से पढ़ रहा था और ये मटेरियल साइंस से पढ़ रहे थे, पर एट द एंड ये कंप्यूटर के फील्ड में जो एपिटोम पा सकता है वो इस बंदे ने पाया। तो क्या AIR 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ एक 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 कोचिंग गिमिक है, सिर्फ एक एक इमीडिएट बेनिफिट है ये, इसके लिए हम फोर्सफुली करते हैं, क्या वो सच में करियर पाथ को चूज करने में मदद करता है, क्या सच में ये करियर में बहुत एक्सेल करने की कोशिश करता है? तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक सही डिसीजन नहीं होगा इस तरह से चीजों को फंसाने का। दैट इज व्हाई
हमने जब डिस्कस किया, मैंने, मेरी वाइफ ने और मैंने बहुत सारे टीचर्स से डिस्कस किया और हमने उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स पढ़े, तो हमें लगा कि स्कूल एक इम्पॉर्टेंट चीज है और उसके कारण मैंने एक महीने पहले अपना, एक डेढ़ महीने पहले, यानी हमने इस कॉन्सेप्टलाइजेशन तो पहले कर लिया पर डेढ़ महीने पहले हमने लगभग एक अपना एक आइजेक कॉस्मिक नाम का चैनल चलाया, उसका जो, बिकॉज उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इस प्रॉब्लम को जो हम अपने बच्चे के लिए सॉल्व करना चाहते हैं वो सबके लिए सॉल्व कर पाए। और उसमें रायन आपको दिखता है, रायन, ये रायन है और ये आपको दिखते हैं कि रायन हमेशा उस वीडियो में आते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाकी बच्चे शायद मेरे, क्योंकि मैं उतनी ही ईमानदारी से जितना रायन को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उससे ज्यादा ईमानदारी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे लिए भी, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट मुझे भी वो लगता है कि उसका करियर बने। तो ये इस चीज को रखते हुए मैंने आइजेक कॉस्मिक का एक कंसेप्चुलाइजेशन लाया कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अपनी सारी लर्निंग्स को उठा के लाया। अब फिर से मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दोहराने की कोशिश करूंगा और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मैं अपने साथ रमन सर को भी लाऊंगा ताकि रमन सर और मैं, हम म्यूचुअली डिस्कस करें और बात को समझाने की कोशिश करें, पॉइंट ऑफ व्यूज को समझें, एक जो सोसाइटी में पेरेंट्स के या लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है उनको समझने की कोशिश करें, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो सवाल है वो ये है, और इसके लिए रमन सर आप आ जा सकते हैं मेरे साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो अब मैं और रमन सर हैं। रमन सर देखिए, अभी आपको ही पता है कि हमेशा पेरेंट, जैसे उसका बच्चा सेवेंथ एट्थ में जा रहा होता है, उनके माँ बाप में ये एक जद्दोजहद रहती है, कंफ्यूजन रहता है कि क्योंकि वो चाहता है कि स्कूल है एक चीज और एक चीज है कि यार कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है। जी सर, जी सर। और कोटा जैसे शहर में तो दिखता ही हर पेरेंट को कि यार कुछ क्या हर जगह है, उसका बाहर के शहर में भी हो, बाहर के शहर में लोग ज्यादा समझदारी से काम कर रहे हो पर कोटा जैसे शहर में तो ऐसा दिख ही रहा है, या फिर छोटे शहरों में माँ बाप जो है उनको लगता है कि मुझे, हमारे को, हम जिस जीवन स्तर को जी रहे हैं मेरा बेटा उससे बेटर जीवन को जिए तो कॉम्पिटिशन आगे पड़ेगा, तो उसके लिए वो भी प्रयास करता है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि हर माँ बाप चाहता है कि अपने बेटे को या बच्चे को या बेटी को सबसे बढ़िया दे। पर दो सवाल है जो ये, एक है स्कूल की इंपॉर्टेंस है और एक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका क्या मानना है? सर, समय जिस तरह से बदल रहा है, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल से हमारा काम चल जाता था, अभी अगर देखा जाए अपनी सिनेरियो को, बच्चों को अगर हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए अपनी बात की जाए, अगर हम आपसे बोले कि आप एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन पर कुछ कॉन्टेंट लिखिए, तो अगर आपको लिखना हो तो लिखने में 10 मिनट लग जाएगा। ये हमें लिखने आता है, आपको भी आता है, हमें भी आता है, लिख सकते हैं। लेकिन आज का जो जमाना है, एआई का जमाना आ गया, मतलब मैसेज चलते 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 इंटरनेट इतना फास्ट बढ़ा कि एआई का जमाना है और चाहे तो हम 2 सेकंड में वो काम कर सकते हैं। तो हमें, तो हमारा मानना ये है कि दोनों हमें आना चाहिए, मतलब हमें वो लिखने भी आना चाहिए, हमें अंदर से स्ट्रांग रहना है कि हम कॉन्टेंट को लिख भी सकते हैं, अगर कहीं कंपटीशन की बात है, अगर जल्दी करने की बात है तो एआई भी हमें आना चाहिए। तो वैसे ही स्कूल क्या करता है, सर्वांगीण विकास बच्चों का करता है, ये बहुत जरूरी है। साथ साथ बच्चों को स्मार्ट थिंकिंग जरूरी है, जो कोचिंग वाले सिखाते हैं, कोचिंग से सीखने से क्या होता है, कंपटीशन का थिंकिंग आ जाता है, क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल जाता है, केवल क्वेश्चन बना देना ही बात नहीं है, हम एडिशन पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो बच्चा कहता है कि हम तो 5 और 2 7 5 2 7 हो गया, हम कहेंगे 5 को 10 बार जोड़ो तो जोड़ता है, 5 गुना 10 करते हैं तो 50 हो जाता है, तो ये 5 गुना 10 जो है वो गुना क्या है, ये भी तो एडिशन ही है, 5 को 10 बार जोड़ा गया, तो बच्ची को फील करना जरूरी है और ये फील करने की वजह से क्वेश्चन को हम लोग इजीली सोच पाते हैं तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि सर दोनों जरूरी है। बहुत ही बड़े सर ने एग्जाम्पल जो लिया, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लिया, सर ने कहा कि आज की डेट में एआई है, यानी मेरे जमाने में भी कैलकुलेटर तो एटलीस्ट हुआ करते थे कि हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन कर लेते थे, पर मेरे पिताजी हमेशा फोकस करते थे इस बात पे कि तू भाई, हम हमको दुकान पे, जब हम गए परचून की दुकान पे, यानी स्टोर पे, जनरल स्टोर पे सामान खरीदने, तो मेरे पिताजी फोकस किया करते थे, उनको नहीं पता एजुकेशन के, उनको ये पता है कि दिमाग चलता रहना चाहिए, दिमाग चलना बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी का डायलॉग कि बहुत ज्यादा पढ़ाई हो ना हो पर पढ़ने की आदत होनी चाहिए, मतलब पढ़ने की आदत का मतलब कहना था कि दिमाग चलने की आदत होनी चाहिए, सोचना, सॉलिट्यूड में सोचना, कंसंट्रेशन से सोचना, ये जरूरी होता है। तो भले ही एआई आ जाए
या भले ही कैलकुलेटर अवेलेबल था तो आपको थोड़ा बहुत गुणा भाग और उसका सेंस होना जरूरी था। तो सिमिलरली सर ने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली पढ़ाई, यू विल गेट एक्सपोजर ऑफ मल्टीपल थिंग्स, देयर माइट बी डिबेट्स, देयर माइट बी, यहां पर बहुत सारी और पॉसिबिलिटी, आपके दोस्त बनेंगे, आपके दुश्मन बनेंगे, कोई बुली करेगा, किसी को आप बुली करेंगे, यानी यू नो हाउ टू डील विद सिचुएशन को हैंडल करना, सिचुएशन को हैंडल करना सीखते हैं। पढ़ाई तो है ही है, मैं मानता हूं पढ़ाई इज अ प्राइम फोकस ऑफ स्कूल, पर उसके अलावा सर्वांगीण विकास भी बहुत जरूरी है। तो ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं छुड़वाने वाला, और मैं चाहता हूं कि कोई भी लोग स्कूल ना छोड़े। स्कूल बहुत जरूरी है, कम से कम 10वीं कक्षा तक तो स्कूल में जाना कंपलसरी होना चाहिए। इवन 11वीं 12वीं में जाए तो कोई बुरी बात नहीं, पर 10वीं तक तो स्कूल जाना कंपलसरी होना चाहिए। बिना उसके मतलब चाहे कितने भी 50 तरह के ऑप्शंस लोगों के पास होते हैं कि ये ऐसे कर दो वैसे कर दो, पर स्कूल बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, स्कूल की जरूरत के साथ साथ ये डर सताता जरूर है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बेटर जिंदगी जिए, हमारे से बेटर काम करे, तो हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को मद्देनजर रखते रहना पड़ता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को मद्देनजर रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा चाहिए जो कि इंक्लाइंड हो, और उस सपोर्ट सिस्टम में भी जब आपके मल्टीपल स्कूल्स के बच्चे मिलते हैं, जो ट्यूशन सेंटर हुआ करते थे मेरे जमाने में भी थे और अभी भी है ट्यूशन सेंटर की, तो उस सेकेंडरी या वे ऑफ एजुकेशन को, उस अल्टरनेट वे ऑफ एजुकेशन को मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि उसमें क्या होता है, अलग अलग जगह के स्कूल के बच्चे भी जब मिलते हैं तो वो अलग अलग तरीके की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ाया गया, ये पढ़ाया गया, कॉम्पिटिशन डेवलप होता है, जेलसी भी थोड़ी डेवलप होती है, डील करना सीखते हैं, ये सारी चीजें ट्यूशन में मिल जाती है। तो ये जो इस तरह की चीजें, ट्यूशन भी जरूरी है, तो ट्यूशन तो हम इन एनी केस करा ही देते हैं, तो ट्यूशन कैसा होना चाहिए, बस हमारा, अब आप समझिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक ऐसा ट्यूशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो स्कूल के साथ कोप अप करेगा, स्कूल की परफॉर्मेंस को भी इनहांस करेगा और आपके फंडामेंटल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि आजकल जो फाउंडेशन का कोर्स या प्री फाउंडेशन की बेसिस की बात की जा रही है, उस प्री फाउंडेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे जो लॉजिक इस्तेमाल हम करने वाले होते हैं वो ये करने वाले थे, 11th क्लास का सिलेबस 9th में करा दो, 8th में 7th, 8th का सिलेबस 6th में करा दो, 10th में ही उसको 12वीं तक जेई की तैयारी पूरी करा दो, अब फिर उसका वो आगे आएगा। ये मैंने बहुत एनालिसिस के बाद देखा, ये दो चीजें क्रिएट करता है, दो तरह के बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों पे ये एक प्रेशर क्रिएट करता है और उनका लर्निंग कर्व वर्टिकल ना जाके हॉरिजॉन्टल फैलता है। इंफॉर्मेशंस मल्टीपल है, वो तो वैसे ही परेशान है क्योंकि मल्टीपल इंफॉर्मेशंस के लिए इंटरनेट भी इतना, बच्चा ना चाहते भी देखता है तो इंफॉर्मेशन तो मल्टीपल है। इंफॉर्मेशन की जगह हॉरिजॉन्टल छितराव की जगह ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, से इंपॉर्टेंट हो जाए ये मैं अच्छे से जानता हूं, तो मैं इस पूरी चीज को डिस्कार्ड करता हूं कि दिस शुड नॉट बी देयर। आपका क्या मानना है? जी सर बिल्कुल, ये समय के हिसाब से जैसे पहले पैटर्न बनाए गए थे उनको भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो इस हिसाब से ये गड़बड़ है जैसा कि आपने एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल जी सर। तो अब हम किस चीज पे भरोसा रखते हैं? मैं भरोसा करता हूं अपने पिताजी की कही हुई, मैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे पर बहुत सुलझे हुए इंसान है, वो मतलब उनको उनको ये पता है कि यार क्या चीज है कैसे बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन, छोटी छोटी लाइनें हैं जो मेरे जीवन में बहुत असर डाली है, उनमें से एक ये लाइन है, उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम प्लेटफॉर्म ए पर हो, उन्होंने अपने शब्दों में बोला, उन्होंने कहा अगर तुम प्लेटफॉर्म ए पर खड़े हो और तुम प्लेटफॉर्म सी को टारगेट कर रहे हो कि मुझे यहां पहुंचना है, तो अगर आप हमेशा प्लेटफॉर्म सी की तरफ उछल उछल के कूदने की कोशिश करोगे, ए पर पैर जमा नहीं पाओगे और सी पर ही पकड़ने के लिए सारा ध्यान सी पे लगाओगे, तो आप प्लेटफॉर्म ए के भी नहीं रहोगे और प्लेटफॉर्म सी के भी नहीं रहोगे। मतलब हो सकता है कि अगर ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स करने की बात करें तो आप ना स्कूल बोर्ड्स लेवल पे अच्छा कर पाओगे, ना फिर आप ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाओगे, ना आप जेई पा पाओगे, ना नीट पा पाओगे, ना करियर में कोई बढ़िया कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि हमेशा एक फंडामेंटल है कि यू हैव टू बी बेस्ट एट प्लेटफॉर्म। वो जो होता है ना, वो क्या होता है कि बच्चे दूसरे को देख के करते हैं। मान लीजिए कि लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें एक दो बच्चे ने ऐसा कर दिया कि 9th में ही तैयारी कर लिया, 11th का, 10th में
रही तो उसको देख के, तो हमारे गुरु जी हैं विकास राय सर, वो हमेशा बताया करते हैं कि घोड़े को देख कर मेढक भी नाल ठोकवाने चला गया और जैसे ही एक हथौड़ा लगा हो फिनिश हो गया। तो ये दूसरों को देख के भी नहीं करना है कि दूसरा कोई अगर ऐसे कर रहा है तो ऐसे ही हम भी करेंगे, कोई उस रास्ते पर नहीं, हर आदमी का अपना सिनेरियो होता है। इसलिए ये डेफिनेशन जो था आपने गलत बोल ही दिया है ऑलरेडी, वो उस तरीके से नहीं करना है दूसरे को देख के। जो एक आध एक्सेप्शन है ना, एक होना चाहिए जेनरिक वे, हो सकता है कि इससे भी आप हो सकते हैं। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, बी बेस्ट इन योर क्लास का मतलब क्या है? आपको लगता है कि भैया हमें नाइन्थ क्लास में कैलकुलस भी आ गई और ये आ गया तो इससे हम बहुत बड़े शातिर आदमी बन गए, बहुत जानकारी हो गई। आपको अगर कैलकुलस का फील नहीं है, समझ नहीं है, आप डेवलप नहीं है, क्योंकि आपको, मैं ये मानता हूं कि अगर आप सेवन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं और यूनिटरी मैथड पढ़ रहे हैं, यूनिटरी मैथड पढ़ रहे हैं तो सेवन्थ क्लास में यूनिटरी मैथड ना केवल सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, जेई, नीट, पीएससी, एमएससी, पीएचडी, पोस्टडी सब जगह काम आता है। तो हम सोचेंगे कि यूनिटरी मेथड को ही क्यों ना इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वो इस लेवल का हो जाए कि यूनिटरी मेथड का सवाल जब सेवेंथ क्लास का बच्चा कर रहा हो तो साला कोई इंडिया का आदमी आ जाए जितना पढ़ा लिखा हो उससे बढ़िया ना कर पाए। तो ये है हमारा एजेंडा कि भैया तू जो पढ़ रहा है उसी में बेस्ट हो जा। तो ये हमने जो अपना आईसेक कॉस्मिक का पूरा कहानी रखी है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, जो जो करिकुलम डिजाइन किया है, वो पूरा का पूरा करिकुलम इसी बात पे आधारित है, बी बेस्ट इन योर क्लास। बिकॉज अगर आपने उस चीज को, बहुत पॉसिबिलिटी है, आपको लगता है यूनिट में बता तो दिया पांच घोड़े इतने के चे, तीन गाय कितने की है, पर ये और जगह इस्तेमाल होगा, टेम्परेचर वेरिएशन में, लेंथ वेरिएशन में, हर जगह जहां 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 यूनिटरी मेथड आए वो सब उठा के ले आओ और यही यूनिटरी मेथड को सिखा दो, तो उसके दिमाग में वो बैठ जाएगा और वो समझ जाएगा और उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस को कॉम्प्रेहेंड करना सीख जाएगा। हमारे क्या होता है कि सवाल में एक ही टाइप के सवाल होते हैं, पांच मैंगो इतने के, दस मैंगो कितने के, तो उसमें यूनिटरी मेथड का इस लेवल का काम कर ले कि वो कैट के पेपर को भी अभी फोड़ देगी, उसमें 60% सवाल यूनिटरी मेथड के ही आ रहे हैं, तो सातवीं क्लास में कैट के सवाल करने लगे। तो ये होना चाहिए, कैट के थ्योरी नहीं है, कैट का हमें कैलकुलस पढ़ाकर अभी कोई जल्दी नहीं है, हमें सातवीं क्लास का एग्जांपल लिया है मैंने, यूनिटरी मेथड को ही इतना स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए, यही बिल्कुल सही है। और ये हम स्कूल की पढ़ाई के साथ अलाइंड है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे, तो स्कूल में भी हम डेफिनेटली बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं, बोर्ड्स में भी बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रेंशन में बढ़िया होने वाले हैं, हर तरह से हम बढ़िया करने वाले हैं। तो द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज स्ट्रेंथनिंग योर सेल्फ इन योर ओन क्लास, दिस इज द आइडिया। तो हम कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि स्कूल के साथ, अगर आपके मन में पहले ही बना हुआ है कि भाई नहीं मैं तो एकदम फाउंडेशन में सिक्स में एट का पढ़ूंगा, तो आप भेजिए, लेकिन अगर आपको लगता है तो हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे पास भेजिए। अगर आप हमारे जहां हम अवेलेबल है ऑफलाइन वहां आ सकते हैं, मैं उसकी बात करूंगा, अदरवाइज ऑनलाइन हमसे जुड़िए और इस तरह से काम करिए कि आपका बच्चा आपकी क्लास में रिपीटेटिव हैमरिंग से ही काम चले। सॉलिडिफाई कैसे करूंगा मैं कॉन्सेप्ट को, रिपीटेटिव हैमरिंग से, एक ही तरह की कहानी को अलग अलग भाषाओं में दिखाऊंगा, क्योंकि कॉम्प्रेंशन एबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली सर, जी सर बिल्कुल। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें कई बार कोटा जैसे शहरों में या फिर छोटे लोअर मिडिल क्लास की जनता को लगता है कि यार सिर्फ और सिर्फ दो ही स्ट्रीम है लाइफ में, या तो डॉक्टर बन जा या तो इंजीनियर बन जा, इंजीनियर बन जा और कुछ है ही नहीं। बच्चा का इंक्लिनेशन क्या है, क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं, और मैथ्स अच्छा होना डज नॉट मीन कि इंजीनियर बन जाओ, मैथ्स अच्छा है तो वो अच्छा सीए बन सकता है, मैथ्स अच्छा हो तो वो अलग अलग स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जाकर वो अच्छा सा एनालिटिकल एनालिस्ट बन सकता है, वो मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकता है, वो सब चीजों को समझ सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है। इसलिए बच्चे का जो अर्ली क्लासेस में है सारे सब्जेक्ट का बेटर एक्सपोजर होना चाहिए। मैं मैथ्स फैकल्टी हूं तो मैं कहना चाहूंगा मैथ्स करने वाला कुछ भी कर सकता है, मैथ्स इतना माइंड को डेवलप कर देता है कि वो किसी भी फील्ड में जाकर तरक्की अच्छा कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो मानना होता है कि मैथमेटिक्स पढ़ लिया और अच्छा मैथ्स है तो इंजीनियर ही बने, ऐसा कोई नहीं है, आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है मैथमेटिक्स से पढ़ के, तो अलग अलग फील्ड है। तो ये हम लोग जो कहना चाह रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेंथ तक तो हमें सारी चीजों को पढ़ना है और सब पर पकड़ बनाना जरूरी है। टेंथ के बाद बच्चा क्या करेगा ये हम आज डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा, मेडिकल में जाएगा या अदर बहुत सारे फील्ड्स हैं, मान लीजिए लॉ में जाए, हमारे देश में तो हर चीज की कमी है, अलग अलग जब जो फील्ड है उसमें अच्छे लोगों की कमी है। हम अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लोग कहते हैं कि इम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, पर जगह नहीं है, नौकरियां नहीं है, पर आपको पता है कंपनीज कहती है अच्छे लोगों की कमी है,
जो सर ने कहा ना, हर फील्ड में अच्छे लोगों की कमी है। तो आपका अगर सब कुछ सर्वांगीण विकास हो चुका है, तो आप अगर 10th तक भी आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली ना, आपका करियर तो बनने ही वाला है। चाहे इतनी बात की पक्की है, 10th तक की बेसिक पढ़ाई ही फाउंडेशन लाती है, सॉलिडिफाई करती है कॉन्सेप्ट्स को, और वही आगे बहुत काम आने वाली है, जीवन भर काम आने वाली है। ये बहुत फंडामेंटल पढ़ाई है, तो वहीं पर फोकस करके हमें बात करनी चाहिए। और हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री को, इंग्लिश को, इवन हिंदी को क्यों नहीं अच्छे से समझे, अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी को भी समझे, इंग्लिश को भी समझे, अपनी लोकल लैंग्वेज आप जिस जगह जाते हैं उसको भी समझे, अपने लोकल आपके जिस जगह रहते हैं उसका इतिहास समझे। आप यूपी के रहने वाले हैं तो उसका इतिहास समझे, आप कर्नाटक के रहने वाले हैं उसका इतिहास समझे, आप अपने भारत का इतिहास समझे, आप अपने भारत के राजाओं के बारे में समझे, ये सारी चीजें बुराई नहीं है इनमें। आप अपने वेदों के बारे में समझे, आप अपने धर्म के बारे में समझे, आप सब कुछ समझे तो आपको दूसरे धर्म के बारे में भी समझे, साथ ही साथ मोरल एथिक्स भी समझे। आप ये भी समझे कि क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, फाइनेंसेस क्या हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये सब इस क्लास में होनी चाहिए। तो ऑल सब्जेक्ट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपने इस प्रोग्राम में सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट पे फोकस करने वाले हैं। अब हम, ये हमारा मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी मतलब हम ये ब्लूम्स, फिलिप ब्लूम का जो 1960 में उन्होंने दिया था, उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला स्टेप लाइफ में होता है रिमेंबर। हमने कुछ पढ़ाया, उसका एक फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो भले आप कुछ भी कर लें, फॉर्मूला ही नहीं याद है तो लोग कहते हैं फॉर्मूला मैं नहीं याद करूंगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो काम नहीं चलने वाला, फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिमेंबर इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज ये एक तरह की बुराई लगती है कि मैं एनालिटिकल नहीं हूं, मैं याद करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। याद करना सबसे पहली जरूरत है। छोटा बच्चा था, उसको बिना समझे उसको हमने कहा कि रट लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग सिखाए पड़े, ए बी सी डी ई एफ जी सिखाए पड़े। क्यों सिखाए पड़े हैं? सी ए टी कैट, डी ए टी डी ओ जी डॉग, ये सब सिखाए पड़े क्योंकि रिमेंबर करा रहे हैं, याद पहाड़े याद करा रहे हैं। ऐसा कोई पहाड़ा बहुत इस्तेमाल नहीं हो रहे, पर रिमेंबर करने की कैपेबिलिटी डेवलप होनी जरूरी है। पहाड़े याद करा रहे, टेबल्स की भैया 19 का टेबल सुनाओ, 12 का टेबल सुनाओ, आपने कहा सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है, मैं कर लूंगा, कर तो लोगे, पर ये रिमेंबर करना बहुत जरूरी होता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पहला स्टेप होता है। उसके बाद आता है कि जो तुमने रिमेंबर किया है, क्या वो चीज तुम्हें समझ में आ गई? अब तो रिमेंबर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप लर्निंग का होता है कि अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिमेंबर्ड। आप उसको समझे कि क्यों हो रहा है ये, ऐसा क्यों हो रहा है कि 5 × 3 जो है वो 15 क्यों हो रहा है, क्या मतलब है इस मल्टीप्लिकेशन का, तो अंडरस्टैंड कर पाए। एंड तीसरा स्टेप जो होता है, आप जब अंडरस्टैंड कर पाए हैं तो आपको पता है कि कब मल्टीप्लाई करना है, अप्लाई कर पाए, और कब डिवाइड करना है। अधिकतर बच्चे स्कूल में समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि 6th ए एक्सरसाइज में जो भी दो नंबर दिखे उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। पर व्हाई द हेल यू आर मल्टीप्लाइंग, व्हाई द हेल यू आर डिवाइडिंग, ये अप्लाई करने का समझ में आना बहुत जरूरी है। ये तीन प्राइमरी स्टेप्स होते हैं लर्निंग के, कम से कम इसको तो स्कूल को ही अचीव करना चाहिए। ये उसी पर्टिकुलर चीज के तीन नेक्स्ट स्टेप हैं। हम तो 6 स्टेप पे वर्क करेंगे, वैसे ये स्कूल को कम से कम इतने पे काम करना चाहिए। हम उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, सपोज यूनिटरी मेथड ही समझा रहा हूं, यूनिटरी मेथड के ही अलग अलग स्टेप में, तीन स्टेप तो मैंने आपको स्टैंडर्ड वाले बताए, उसके बाद एनालाइज डिफरेंट टाइप ऑफ languages will be there। मैंने आपको भी समझाया था unitary method ही ये 6th में भी आ जा रहा है, और unitary method वो आपका JEE advance की preparation में भी आ रहा है, जो most difficult exam माना जाता है, उसमें भी आ रहा है। तो वो unitary method क्यों apply करना है, कैसे apply करना है, वो सच में हमने देखा कि बच्चों के साथ problem होती है, तो वो analyze कर पाना situation को कि इसमें unitary method लगाना है, इसमें यूनिटरी मेथड लगाना है, ये एनालाइज कर पाना, उस लेवल तक ही 7th क्लास में हम सीख जाएंगे, क्योंकि यूनिटरी मेथड है, उसको तो बदल नहीं सकते। अब ये एनालिसिस इतनी तगड़ी करेंगे कि वहां तक समझ पाएंगे। तो ये लंबा वीडियो जरूर है, पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि यार ये सारी चीजें जरूरी है। जी सर, 7th क्लास में मैं रुकना चाहूंगा थोड़ा सा आपको। 7th क्लास में जनरली होता क्या है कि बच्चों को पढ़ा दिया यूनिटरी मेथड और बोल दिया गया 10 क्वेश्चन है, अब इस पर बनाओ, तो बच्चे को पहले से ही पता होता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं इसमें क्या है कि क्वेश्चन आ गया, जैसे टीचर के पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या करता है, पहले एनालाइज करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए। तो ये अगर बच्चा सीख जाएगा ना, तो वो अपने लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग मतलब फाउंडेशन उसका तैयार हो जाएगा। एंड बिलीव मी, अगर आप यूनिटरी मेथड सीख जाएंगे तो कैलकुलस विल बी द केक वॉक। बिल्कुल।
निश्चित रूप से सर। लगता है कि कैलकुलस की बड़े बड़े टर्म याद करें, पर है तो दुनिया के सारे फॉर्मूले जोड़ घटाना गुणा भाग के हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैलकुलस भी, कैलकुलस कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूनिटरी मेथड आता नहीं है, यूनिटरी मेथड का एनालिसिस करना आता नहीं है, कैलकुलस कैसे करनी है? सिर्फ रट सकते हैं कि भाई इसका डेरिवेटिव ये होता है, उससे नहीं मिलने वाला कुछ। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो इवैल्यूएट, सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद वो आंसर तक पहुंच पाए। एनालाइज कर लिया कि हाँ यूनिटरी मैटर लगेगा पर मैं कंफ्यूज होगी क्या हो रहा है, कौन सी दो चीजें क्या होंगी, इसके बराबर क्या है, इसके बराबर क्या नहीं है, इवैल्यूएट कर पाए वो जरूरी है। तब हम कहते हैं कि हाँ यार अब इसके पब्लिक कोई भी सिचुएशन आएगी तो ये एनालाइज करके इवैल्यूएट करके उसका आंसर निकाल देगा, चाहे यूनिटरी मैथड का सवाल जेई एडवांस में क्यों ना 10 बार आया। आए हैं जी एडवांस में यूनिटरी मेथड के सवाल आए हैं, बिल्कुल फिजिक्स में आए हैं, मैथ्स में आए हैं, सिंपल वो एक ही छाव नदी वो चल रहा है कोई चीज और उसका शैडो की लेंथ कितनी होगी और ये सब यूनिटरी मेथड तो है, बिल्कुल बिल्कुल वो है तो यूनिटरी मेथड ही। तो ये सारी चीजें आई हुई है एंड दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ एनी लर्निंग कर्व, एपिटोम ऑफ लर्निंग। जब तुम खुद नई सिचुएशंस क्रिएट कर पाओ, नए सवाल फॉर्म कर पाओ, नई जगह पे एनालाइज करके तुम यूनिटरी मेथड को दिखा पाओ। मैं यूनिटरी मेथड एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में आए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। आप खुद ऐसे सवाल फ्रेम कर पाओ तो ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, हम यहां तक पहुंचाने की कोशिश करें, बच्चा खुद सवाल बना ले। ये इसको एक समझते हैं, इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जेई की तैयारी कराने वाले जो भी मास्टर लोग हैं इंडिया में, वो सारे खुद के जेई क्वालिफाइड है नहीं, पर वो फिर भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस एपिटोम को भी प्राप्त किया है अपने सब्जेक्ट में, वो अब नए सवाल बना लेते हैं खुद, कैलकुलस के लिमिट्स के उन्होंने भले नहीं निकाला, तो उन्होंने लर्निंग उस समय ना करके बाद में की, ऐसा प्रोफेशनली लर्निंग की और आज वो इस एपिटोम पे पहुंच गए। तो वही बेस्ट टीचर कहलाते हैं जो खुद सवाल बना लेते हैं, बेस्ट टीचर। क्योंकि सालों साल से देखा है हमने कि बाकी जनता जिस टीचर सवाल दिए थे कहीं से उठा के लगा दी, जो बढ़िया टीचर तो नए नई सिचुएशंस लेके आते हैं, सवाल बनाते हैं। तो ये क्रिएट करने वाला जो औकात है ये एपिटोम ऑफ लर्निंग है। हम कोशिश करेंगे कि यूनिटरी मेथड में भाई एक और मैं सर ऐड करूं क्या इसमें एग्जांपल, हाँ एक एग्जांपल और ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी बाउंडेड फिगर पढ़ते हैं, जैसे ट्रायंगल सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता है, ट्रायंगल के अलावा मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन, कुछ भी हो गया, या ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री से ही हम लोग कैलकुलस आगे का पढ़ पाते हैं। तो ट्रायंगल भी तो हम लोग के 9th-10th पे दिया गया, 7th में भी दिया गया। तो अगर बच्चा जैसे यूनिटी मेथड पर पूरा विजय प्राप्त कर रहा है, अगर वैसे ही ट्रायंगल पर कर ले तो ट्रायंगल को हम लोग पूरा डिटेल में समझाने लगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्री समझता है बच्चा, तो उस समय उसको समझाया जाता है कि अगर उसके मतलब ये साइड्स इसके हो गए, साइड्स के बाद एंगल्स हो गए, अगर हम मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को अगर कम करते हैं तो बाकी सब पर फर्क पड़ता है, साइड और एंगल पर। तो उन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा डेवलप करते हैं, लेकिन बच्चे को जो पढ़ाया जाता है कि साइन थीटा डी बाई एच होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में कभी आ गया कि 120 डिग्री अगर आ गया तो कैसे करेंगे, तो 120 डिग्री वहां पर हैंग कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पता है कि तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 ही हो सकता है और एक 90 डिग्री होना मस्ट है। तो वहां पर बच्चा को हम लोग ये जरूर सिखाएंगे इस कॉस्मिक में कि बच्चा उस समय क्या करेगा जब ये 90 डिग्री से फेल करने लगे, या हम कहते हैं कि ये थीटा ही 90 डिग्री हो जाए तो ये 90 और ये भी 90, ये खड़ा हो जाएगा फिर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो पूरा सिनेरियो को क्रिएट करके और बच्चे को उस लेवल पर सोचना सिखाएंगे कि अगर ये ना हो वो हो तो क्या करेंगे, उस लेवल पर हम लोग उसको तैयार करेंगे। बिल्कुल जी सर, जब वो ट्रिग्नोमेट्री उसके सामने आएगी तो हम उस ट्रिग्नोमेट्री के अच्छी बात है जो उसके, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग धीरे धीरे डेवलप होता है, जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो उसकी बेसिक बात बताते हुए उसको उस लेवल तक ले जाएंगे कि भैया जो तुम्हें सीखा है उसमें तुम बेस्ट हो। मुझे आता सर इतना है, पर इतना जो आता है ना उसके लिए तो कोई दुनिया की ताकत मुझसे लड़ नहीं सकती, ये हमारा उद्देश्य है। और इस बात को समझिए, ये बहुत मैंडेटरी है, ये बहुत मैंडेटरी है। तो ये हमारे लर्निंग हो गए। अब हम हाँ, तो हमने इसके लिए जो प्रोग्राम डिजाइन किया है हम इसको ऑफलाइन डिलीवर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल के साथ साथ ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन की जगह आप आईसेक कॉस्मिक पे रजिस्टर करिए। फीस वाइज वो ट्यूशन की फीस के बराबर ही, ट्यूशन की फीस के बराबर है। स्कूल का डेवलपमेंट स्कूल के पढ़ाई के साथ अलाइन, यस इट इज। ऑल सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, यस इट इज। हम कोई जबरदस्ती का प्रेशर क्रिएट करेंगे? नो, नॉट एट ऑल।
कोई प्रेशर नहीं, हम वही चीजें पढ़ाएंगे उसी क्लास में, यस हम वही चीजें पढ़ाएंगे उसी क्लास में। तो दिस इज द होल आइडिया। तो ऑफलाइन सेंटर्स में आप आ सकते हैं, और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऑफलाइन सेंटर कोटा में और शिवपुर में, जो कि एमपी में एक छोटा सा शहर है, कस्बा है, क्योंकि वो पास में है। और वहां पर मेरे बहुत सारे बच्चे छोटी जगहों से निकल के उस छोटी सी जगह पर, मेरा को प्यार इसलिए आया कि छोटी जगह से मेरे बच्चे जो अच्छी सुविधाएं नहीं पा पा रहे थे वहां पर, वो मेरे पास आए और मैंने जब उनको पढ़ाया और वो आईटी में गए, तो उन्होंने मुझसे, अनवी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर हम, हमारे शहर में भी पोटेंशियल है, अगर उनको सही दिशा दिखा दी जाए तो वो अपनी कक्षा का परफॉर्मेंस अच्छा करते हुए वो अपनी 12वीं के साथ ही साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, उनको उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, बाहर जाना महंगाई है, ये है वो है, इन सारी सुविधा, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप अटेम्प्ट करिए। तो हम आइज़ैक कॉस्मिक को शिवपुर में स्टार्ट करें, और कोटा में हम अवेलेबल हैं, हम यहाँ पे बेस्टेस्ट वे ऑफ टीचिंग दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सब कंट्रोल्ड है हमारे हाथ में, हमें पता है कि जो भी टीचर जाएंगे उनको क्या करना है, मॉड्यूल्स प्रॉपर है, यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने कोटा सेंटर पे स्टार्ट किया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके स्कूल में रहते हुए बिना प्रेशर के स्कूल परफॉर्मेंस के साथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेके आए, तो आप ट्यूशन की जगह कॉस्मिक ज्वाइन करिए, आइज़ैक कॉस्मिक ज्वाइन करिए। दिस इज गोइंग टू बी अ चेंजर, बिलीव अस, वी आर गोइंग टू हेल्प योर किड लाइक माई सन, बिकॉज माई सन विल बी देयर इन दैट क्लास ओनली, मेरा बेटा भी वहीं बैठेगा। तो मैं अपने बेटे के साथ आपके बच्चे को भी अपना बेटा या बेटी मानकर ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और ये मैंने सारे टीचरों को भी बोल रखा है। तो ट्यूशन की जगह ट्यूशन की फी में ही बेस्टेस्ट पॉसिबल एजुकेशन बिना प्रेशर के, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्कूल के साथ करनी है। तो आप कोटा में हैं तो कोटा सेंटर आ सकते हैं, आप शिवपुर में हैं तो आप शिवपुर सेंटर आ सकते हैं, बट प्लीज दिस इज द पॉसिबिलिटी, आप ये करिए। अब नेक्स्ट बात ऑनलाइन, बिकॉज दिस इज द, बिकॉज एवरीबडी, एंड आई रियली डोंट वॉन्ट कि 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे अपने शहर छोड़ के, स्कूल छोड़ के किसी दूसरे शहर जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। पर हाँ, हम ये चाहते हैं कि अगर आप बैठे हैं तो आप हमें सिर्फ ऑनलाइन किसी दूसरे शहर में बैठे हैं, और आपको यही जो कोटा में चलने वाली क्लासेस हैं और वही सेम एक्सपीरियंस आपको आपको घर बैठे चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। और बिलीव मी, हम आपसे, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे को स्क्रीन के सामने देखना पड़ता है, तो मैं भी थोड़ा अवॉइड करता हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ 9 hours a week का प्रोग्राम है, 9 hours a week, मतलब दिस इज नॉट एट ऑल अ बिग नंबर इन अ वीक। आप इतना समय ऑनलाइन हमारे साथ अवेलेबल करिए, और हम बहुत सारी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, और पूरी तरह की जो यहां पर ऑफलाइन में सिचुएशन होगी वही हम आपके पास ऑनलाइन में मुहैया कराएंगे। तो आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं इंडिया के किसी भी शहर में बैठे हुए। हाँ, इस ऑनलाइन में एक समस्या हो सकती है कि अगर आप कहीं ऐसे बैठे हैं जहां पर आपको हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश में होगा, तो अगर आपके पास समस्या नहीं, आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, टर्म्स तो इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, पर हिंदी, ये ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला तो हिंदी मीडियम भी होगा और इंग्लिश मीडियम भी होगा अलग अलग, पर ऑनलाइन वाला जो कोर्स है वो पूरा इंग्लिश में होगा। तो अगर आप इस लैंग्वेज से कंफर्टेबल हैं, जो हम नॉर्मल, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं इतनी देर से तो आप कंफर्टेबल होंगी, तो अगर आप इस बात से कंफर्टेबल हैं तो आप इस कोर्स को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि कुछ चेंज आए और बिना प्रेशर के चेंज आए, तो ऑनलाइन भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ आइज़ैक कॉस्मिक। अब हम इसी बात पर आपसे थैंक यू करते हैं आपको, और वी रियली वांट कि आप क्वेश्चंस पूछें, आप अपने ऑनलाइन, आप ऑफलाइन कैंपस पे आकर सेशन बुक करें, आप काउंसलिंग कराएं, आप हमसे कनेक्ट हो, और आपको जो भी सवाल आपके मन में हो उन सवालों के आंसर पूछें हमसे, आप सेटिस्फाई हो जाए, आप अपने बच्चे को भेजिए, फीस बाद में दे दीजिएगा। मतलब अगर ऐसे लग रहा है कि ऑफलाइन में क्या होगा क्या नहीं होगा, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आपको हम हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं, तो आपके लिए भी पूरी आजादी है। आप हमें जज करिए, आप हमें समझिए, पर हाँ, हम ऑनेस्टी से काम करने वाले हैं। ये कॉस्मिक हमारा ड्रीम था, जिसको हमने जीना ही है, जिसको हमें करना ही है, जिसमें हमें चेंज लाना ही है सोसाइटी में, वो करके ही रहेंगे। ये
फॉर श्योर है और उसमें हमें आपकी मदद जरूरत है, क्योंकि किसी भी समाज में सुधार समाज के लोगों के साथ चलकर ही हो सकता है। तो समाज अगर हमारे साथ रहेगा, हमारी इस विचारधारा से सहमत है अगर, तो हम जरूर एक पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे पूरे की पूरी जनरेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल।